कोरोना ने प्रदेश में भी अपनी जड़ें फैला दी हैं। इसी के चलते पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। ज्वालामुखी उपमंडल डीएसपी तिलक राज ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शहर में वाहनों के अवैध संचालन, बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों और बिना अनुमति आवागमन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्वालामुखी में वाहनों के अवैध संचालन, बेवजह सड़कों पर घूमने वालों व बिना अनुमति आवागमन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज ने ये निर्देश सभी थाना अध्यक्षों को दिए हैं। डीएसपी तिलक राज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो ढील प्रदान की गई है उसकी आड़ में शहर में अनावश्यक वाहनों का आवागमन कोरोना संक्रमण को फैला सकता है। अब सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही वाहन चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि आवश्यक वाहन को जिस मार्ग से तय समय में जाने के लिए अनुमति दी गई है उसी मार्ग से होकर निर्धारित समय में जाना होगा। रास्ता बदलने या फिर अनुमति से अधिक सवारी बैठाने या नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएसपी ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने वाहनों को पुलिस चेक पोस्ट पर जांच करवाने और चौराहों पर पुलिस कर्मी द्वारा रोके जाने पर वैध पास दिखाकर ही आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। आज मैंने अपने थाना ज्वालामुखी के जितने भी आईयू हैं हमारे और एसएचओ साहब को साथ बुला के मीटिंग करी है और मैंने उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी वाहन, कोई व्यक्ति जो वाहन के ऊपर हमारे बाजार की तरफ आ रहा है उससे पूछताछ की जाए, हर किसी से, चाहे वो किसी भी काम के लिए यहाँ आ रहा है उसको पीछे ही रोक दिया जाए। मान लो कोई दूर से आ रहा है और उसको सब्जी लेनी है तो ये देखा जाए कि उसके इलाके में कोई सब्जी की दुकान है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, जैनून है। अगर उसको उसके घर के आसपास कहीं दुकान थी यहाँ तक आया तो इसका मतलब गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ के साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हर एक दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवानी है। और अब मार्किंग कई लोगों की फीकी पड़ गई है, कईयों ने कई नहीं की है, तो ये दोबारा से इंश्योर करें कि जिनकी मार्किंग फीकी पड़ गई है उसको दोबारा से लगवाया जाए और जिनकी आगे भी हुई नहीं है, नई दुकानें जो खुली हैं अगर उनके आगे मार्किंग नहीं है तो मार्किंग करवाए। और मार्किंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, जो 2 मीटर, 1.5 या 2 मीटर का जो भी डिस्टेंस हमें बोला गया वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए मार्किंग में भी। और इसके अलावा इनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको उसकी प्रॉब्लम सुन के उसको जाने दिया जाए ताकि कोई हमारी तरफ से कोई किसी को परेशानी ना हो। भविष्य में भी यह जब तक ये लॉकडाउन चला है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी कानून की उल्लंघना करेगा या नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।